नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए EWS फ्रीशिप कैटेगरी के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक ज़रूरी बात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबकी शिक्षा के माध्यम से हज़ारों की संख्या में बच्चों का स्कूलों में दाखिला हुआ है। भारत के सभी राज्यों में सबकी शिक्षा का काम सराहा जाता है और लोग सबकी शिक्षा के नाम को अब बहुत भली भांति जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सबकी शिक्षा, तो इसका मतलब है सबके लिए शिक्षा। सबकी शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनके माता पिता के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आना है। इसीलिए समय समय पर मैं आपके लिए सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो, करंट इश्यूज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस और बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जिनसे बच्चों के पेरेंट्स यानी कि अभिभावकों की भी जानकारी बढ़े, वह जागरूक हो। और जितने ज़्यादा जागरूक माँ बाप होंगे, बच्चे भी उतने ज़्यादा जागरूक होंगे और उतना बेहतर उनका भविष्य बनेगा। तो देश को आगे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो सभी के लिए ज़रूरी है सभी शिक्षित हों, बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले और माँ बाप को वह ज़रूरी शिक्षा मिले जिनसे वह अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आती हूँ महत्वपूर्ण वीडियोस और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहती हूँ कि दाखिले की वीडियोस के अलावा भी जो वीडियोस मैं लेकर आती हूँ आप उन्हें देखें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आपको इन वीडियोस से लाभ होगा। अब मैं बताती हूँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि संबंधित है EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं इस सवाल के जवाब से। बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं, मैम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत क्या दूसरी लिस्ट आएगी, आपको क्या लगता है, DOE क्या कह रहा है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी से नौवीं कक्षाओं के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया तो चल रही है और दाखिला प्रक्रिया की जो आखिरी तारीख है वह बढ़कर 30 सितंबर हो चुकी है और यह जानकारी मैं ऑलरेडी आपके लिए एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लेकर आ चुकी हूँ। अब आप सभी को बताना चाहूँगी कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय, जिसे हम DOE कहते हैं, शिक्षा विभाग भी कहते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, इनका कहना है कि अभी पहली लिस्ट की दाखिला प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी लिस्ट के मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं, चुप है। तो कोई भी आधिकारिक घोषणा DOE के द्वारा अभी जारी नहीं की गई है। तो DOE क्या कह रहा है, DOE संबंध में कुछ भी नहीं कह रहा है। अब मुझे क्या लगता है वह मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए, जब भी मैं आपसे कोई भी अपनी निजी राय आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी यह निजी राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि यह वीडियो में भी मैं अपनी निजी राय, अपनी व्यक्तिगत राय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है, कोई भी ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट या मेरे पास कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। मुझे लगता है, मैं ये सोचती हूँ, मैं अगर पिछले साल के आंकड़ों को, पिछले साल के रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखूं कि पिछले साल क्या EWS फ्रीशिप कैटेगरी की तहत दूसरी लिस्ट निकली थी, तो वह रिकॉर्ड्स में चेक करके आपको बता सकती हूं कि पिछले साल EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी लिस्ट नहीं निकली थी। तो मुझे इस साल भी ऐसा ही लगता है कि शायद इस साल भी EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी लिस्ट नहीं निकलेगी। यह कोरोना काल है, वैसे भी आप जानते हैं दाखिला प्रक्रिया इस साल RT के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रही है। जितने बच्चों का नाम लिस्ट में आ रहा है उन सभी को दाखिला इस साल नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे समय में स्कूल्स जो अलग अलग DOE के माध्यम से रूल बनाए गए हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। और सच्चाई यह भी है कि स्कूल्स में जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले कम हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय में जहाँ कोरोना काल है, जहाँ जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले कम हुए हैं, स्कूल्स में बच्चों के दाखिले जब स्वाभाविक रूप से कम होंगे तो उसका असर RTE दाखिले पर भी पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इस समय में, इस कोरोना काल में शायद DOE EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी लिस्ट नहीं निकालेगा। लेकिन अगर DOE ने दूसरी लिस्ट निकाली EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत, या फिर मुझे थोड़ी बहुत भी जानकारी यहाँ वहाँ से पता चली, जब मैं बोलती हूँ ना यहाँ वहाँ, इसका मतलब है कि कोई टीचर जिसे मैं जानती हूँ जो कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के साथ जुड़ा है, या फिर कोई ऐसे बड़े ऑफिशियल जो कि दिल्ली के शिक्षा विभाग से जुड़े हैं,
किसी के भी हवाले, जो कि महत्वपूर्ण लोग हैं और जिनकी द्वारा दी गई जानकारी सही और ज़रूरी होती है, अगर मुझे ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण सोर्स से पता चला कि शायद दूसरी लिस्ट निकलेगी, तो वह जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे नहीं लगता EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी से और दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के तहत जो दिल्ली में दाखिला प्रक्रिया चल रही है प्राइवेट स्कूलों में, उसके माध्यम से जो पहली लिस्ट की दाखिला प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दूसरी लिस्ट निकलेगी। और यह थी मेरी व्यक्तिगत राय, लेकिन अच्छा लगेगा मुझे अगर मेरी व्यक्तिगत राय गलत हो, अच्छा लगेगा मुझे यदि और बच्चों को भी दाखिले का मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा मुझे यदि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे RTE का फ़ायदा ले पाए, अच्छा लगेगा मुझे यदि इस वीडियो को देखने वाले सभी पेरेंट्स के जो सपने हैं अपने बच्चों को लेकर वह पूरे हों। तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।